हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो आज की क्लास में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप सभी को पता है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और हम सब लोग फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट भी कर चुके हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया होगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी का फॉर्म फिल करते टाइम आप बैंक प्रेफरेंस को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कि कौन से बैंक को हम प्रायोरिटी पर रखें, बैंक प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करना है, एक प्रॉपर आइडियल मेथड क्या हो सकता है बैंक प्रेफरेंस के लिए जिससे कि हमें कहीं दूर ना जाना पड़े, हम अपने नियर बाई एरिया में या फिर आसपास से हमें ब्रांच मिल जाए, ब्रांच एलोकेट कर दिया जाए और हमें कहीं दूर ना जाना पड़े। इसी के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका ही क्वेश्चन है जिसको पिकअप करके हमने यहाँ पर एक सेशन बना दिया है जिससे कि सभी लोगों का ये जो कॉमन डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और उनको भी अगर ये डाउट है तो वो क्लियर हो जाए एंड देन वो इसी के अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म को फिलअप कर सकें। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ऐसे और भी अपडेट्स को जानने के लिए और भी क्लासेस में हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए आप ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। जब आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर कोई भी हम एक्स्ट्रा इवेंट करते हैं, जो हमारी डेली क्लासेस होती हैं, इवन वो भी उसके पीडीएफ, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा कि बैंक प्रेफरेंस अगर हम फिल करने जा रहे हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के फॉर्म में तो किन किन पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन से स्टेट में कौन कौन से बैंक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी से हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी में कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज हैं, मतलब कौन कौन से आरआरबीज हैं। अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं, आप यूपी से हैं, तो आपको कौन कौन सा बैंक मिल सकता है। आर्यवर्त बैंक हो गया, बड़ौदा यूपी बैंक हो गया और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हो गया। तो जो भी स्टेट से पहले वहां के बैंक आपको चेक करने, नंबर वन, लाइक अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हो गया, आप तेलंगाना से हैं तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक हो गया, तेलंगाना ग्रामीण बैंक हो गया, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले चेक करना है। अगर आप अपने स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो पहले तो बैंक आपको पता होना ही चाहिए कि कौन कौन से बैंक है, तभी तो आप प्रेफरेंस सेट करेंगे ना। अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि तीन बैंक है, आर्यावर्त, बड़ौदा और प्रथमा। जब तीनों पता होगा तो इन्हीं तीनों में आपको प्रेफरेंस डालना होगा कि आपका प्रेफरेंस, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बड़ौदा यूपी बैंक है, उसके बाद आर्यावर्त है, देन प्रथमा है। तो ये तीनों पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम वैकेंसीज देख लेते हैं। आर्यावर्त में 21 है, बड़ौदा यूपी बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं किया, बट ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं होगी, होगी वैकेंसी, आगे चल के अपडेट हो जाएगी, बट अभी इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, प्रेफरेंस में हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 21 है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस भी बैंक को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी से हैं और आप आर्यावर्त बैंक को प्रेफरेंस में दे रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं। जब आपको पता होगा कि ये ब्रांचेस हैं इसकी, इसका हेड ऑफिस यहाँ पर है, जहां पर भी इसका हेड ऑफिस होता है किसी भी बैंक का, उसके जो नियर बाई एरियाज होते हैं वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलती है, मतलब आपको वहीं पर भेजा जाएगा, वही ब्रांच आपको अलॉट किया जाएगा। तो जब भी आप जिस बैंक को प्रेफरेंस दे रहे हैं सबसे पहले आप चेक करिए उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है और उसकी ब्रांचेस कितनी है और कहाँ कहाँ पर है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यूपी में जहां से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप यूपी में कहीं से भी बिलोंग करते हैं और इनमें तीनों, इन तीनों में से आर्यावर्त, बड़ौदा, प्रथमा, इन तीनों में से किसी भी बैंक में आपने किसी बैंक को आपने प्रेफरेंस में कर दिया, बट आपके होम टाउन से वो बहुत दूर पड़ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि नियर बाई ब्रांचेस कौन कौन सी है, मतलब कहाँ कहाँ पर ब्रांच है और कितनी ब्रांच है। अब या फिर हम अदर स्टेट की बात कर लें, मान लीजिए आप उत्तराखंड से हैं और आप यूपी में अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप बैंक प्रेफरेंस फिल करेंगे तो रैंडमली कुछ भी तो फिल नहीं कर देंगे, आपको चेक करना पड़ेगा ना कि उत्तराखंड से यूपी के इस आरआरबी में कौन से वाले आरआरबी का ब्रांच या फिर हेड ऑफिस हमारे होम टाउन से या फिर हमारे स्टेट से पास पड़ रहा है, जिससे कि जब आपको वहां पर ब्रांच मिले तो वो नियर बाय ब्रांच हो ना कि दूर हो, ठीक है। मतलब अगर आप उत्तराखंड से अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी के आसपास से या फिर उत्तराखंड के नियर बाय जो भी यूपी का आरआरबी है जिसकी ब्रांच पास में है,
तो वो आपको क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस फिल करेंगे, तो नियर बाई ब्रांच आपको मिल जाएगा, अदरवाइज रैंडमली कुछ भी फिल कर देंगे तो आपको दूर मिल सकता है ब्रांच और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो नंबर वन पॉइंट इज आपको चेक करना हेड ऑफिस है ना, जो भी बैंक है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। नंबर टू पॉइंट इज हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस, किस बैंक की कितनी ब्रांचेस है और कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा और आप इजिली उसको क्या कर सकेंगे, आप इजिली उसको फिलअप कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया बड़ौदा यूपी बैंक, तो बड़ौदा यूपी बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है, गोरखपुर में। स्टेट तो आपको पता है यूपी का है, तो यूपी का जो गोरखपुर है वहां पर इसका हेड ऑफिस है, तो दैट मीन्स यहाँ पर गोरखपुर के आसपास का जो एरिया है वहां पर आपको इसकी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, यहीं पर ब्रांचेस मिल सकती हैं। आर्यावर्त बैंक की बात करें तो इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है, तो दैट मींस लखनऊ के आसपास जो एरिया है वहां पर इसकी ब्रांचेस होंगी, वहां पर आपको अलॉट किया जा सकता है ब्रांच। तो जो भी ब्रांच, अब जैसे यहाँ पर हो गया ये आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, इसकी अगर हम बात करें तो नाहरलागुन, यहाँ पर इसका क्या हेड ऑफिस है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की बात करें रायपुर में है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की बात करें पटना है। तो इस तरीके से आपको क्या चेक करना है, ये आपको नोटिफिकेशन का जो एक पूरा हमारा नोटिफिकेशन है उसमें ये मिलेगा, तो उसमें आप चेक करना कि जितने भी हमारे आरआरबीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हमें ब्रांचेस मिलेंगी, जिसमें हमें जॉब मिलेगी, वो सभी बैंकों का हेड ऑफिस कहाँ पर है और कौन से स्टेट के हैं, और साथ में लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जरूर चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर जब एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूपी का हो गया, आपको हिंदी आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी लोकल लैंग्वेज में हिंदी मांग रहा है, ठीक है। बिहार में भी हिंदी मांग रहा है, तो दैट हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी मांग रहा है। तो अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको आना चाहिए, ये ध्यान में जरूर रखना। तो आपको क्या करना है, स्टेट चेक करना है और जो भी बैंक है उसका आपको हेड ऑफिस और नंबर ऑफ ब्रांचेस चेक करनी है। अगर ये सारी चीजें चेक करके आप बैंक प्रेफरेंस फिल करेंगे तो इजिली आपको नियर बाई ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कंसीडर करते हुए देना फॉर्म को फिलअप करना। तो किन किन पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है, नंबर वन नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर चॉइस, जहां पर भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पर उसकी ब्रांच कितनी है ये आप चेक कर लेना, एंड आपको अपने अकॉर्डिंगली अपनी प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है। सो इफ यू वॉन्ट टू चूज अ पर्टिकुलर बैंक और योर होम टाउन, मेक योर चॉइस अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, प्रेफरेंस देना है, अपनी प्रायोरिटी बनानी है कि जिससे कि आपको नियर बाई जो भी ब्रांच है वो मिल सके। गिव प्रेफरेंस टू दोज बैंक्स व्हिच हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन योर लोकेलिटी। अभी मैं स्टार्टिंग से यही बार बार बता रही हूँ, जिसकी ब्रांच ज्यादा है ना आपके नियर बाई एरिया में, उसी को आप क्या करिएगा, फिल करिएगा। एंड इवन विद इन द स्टेट कैंडिडेट्स मस्ट गिव प्रेफरेंस टू द बैंक व्हिच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, जहां पर ज्यादा वैकेंसीज है उसको भी आप कंसिडर करना। अगर वैकेंसीज ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा होंगे, वैकेंसीज कम है तो चांस कम होगा, क्योंकि अगर किसी का मार्क्स आपसे ज्यादा है ना, आपसे बेटर मार्क्स है, तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो वैकेंसीज को कंसीडर करना है, जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं आपकी लोकेलिटी में, मैक्सिमम ब्रांच कहाँ पर है वो आपको चेक करना है, और वही हेड ऑफिस और नंबर ऑफ ब्रांचेस चेक करने हैं। अगर इन सभी पॉइंट्स को आपने कंसीडर कर लिया तो बैंक का जो प्रेफरेंस है ये आप इजिली सेलेक्ट कर पाएंगे और आपको नियर बाई लोकेलिटी में, नियर बाई एरिया में आपको ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें बैंक प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना है। बाकी इसके अलावा मैंने एक और सेशन ऑलरेडी कराया हुआ है आरआरबी से ही रिलेटेड, आरआरबी पीओ वर्सेस आरआरबी क्लर्क, कौन सा एग्जाम सबसे इजी है क्रैक करना आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में, प्रॉपर एनालिसिस करके है ना, चीजों को समझते हुए यहाँ पर हमने कंपेयर किया है, एंड देन हमने एक फाइनली डिसीजन लिया है कि कौन सा एग्जाम ज्यादा क्लियर है, मतलब इजी है क्लियर करना। तो इस सेशन को जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लेना, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आरआरबी की हमारी जो बैचेस हैं वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आरआरबी क्लर्क के लिए विक्ट्री 2.0 स्टार्ट हुआ है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा, ठीक है। इसके अलावा आरआरबी पीओ के लिए योद्धा 2.0 ये बैच भी स्टार्ट हुई है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इसमें कंसिडर किया गया है, मतलब दोनों बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स भी मिलेगा, पीडीएफ्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और मेंस तक मतलब प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक सब चीजों को इसमें कवर किया जाएगा। तो इस बैच में आप इनरोल करवा लीजिए, डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर लेना, दैट इज प्रिया टी, तो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, दोनों बैच में आप इनरोल करवा लीजिए, ठीक है। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।